चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। प्रताड़ित शिक्षकों के समर्थन में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा आसपुर ने SDM को सौंपा ज्ञापन। आसपुर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं निदेशक महोदय के नाम जिला कोषाध्यक्ष भारत सिंह राणावत, उपशाखा अध्यक्ष लाल सिंह हाड़ा व जिला उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा देवानंद उपाध्याय के नेतृत्व में शिक्षकों ने उपखंड अधिकारी आसपुर के प्रतिनिधि तहसीलदार गौतम लाल कुमार को ज्ञापन सौंपा। उपशाखा आसपुर के महामंत्री सुदर्शन सिंह चौहान ने बताया कि जब राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभागों का एकीकरण कर एक ही विभाग बना दिया है, ऐसे में 2018 में नियुक्त तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती में नियुक्त लेवल द्वितीय के अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों के अध्यापकों को 2 वर्ष बाद पदस्थापित विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालय में समायोजन करने का आदेश बेमानी है। प्रभावी शिक्षक राहुल कालाल, देवीलाल तेली, मनोज परमार, पूनम आहारी, भीमराज मीणा व खुशराज सिंह पे अवार ने बताया कि 2018 में प्रारंभिक शिक्षा लेवल डू में चयनित शिक्षकों को विभाग द्वारा 6D की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करा पाने और कतिपय जिलों में पूर्ण करा देने के उपरांत भी प्रभावित शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्य ग्रहण नहीं करवा पाने के कारण उस समय चयनित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में सीधी भर्ती से चयनित होने के उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर पदस्थापित कर दिया गया था। सही विभागीय प्रक्रिया समय पर संपन्न नहीं करने से अब शिक्षक परेशान हो रहे हैं। संगठन ने प्रदेश में इस आदेश को तत्काल रोक लगाते हुए यथावत रखने व शिक्षकों से सहमति लेकर काउंसलिंग के माध्यम से समायोजन की बात कही। इस अवसर पर उज्जवल सिंह, लक्ष्मण लाल मीणा, सुरमाल परमार, मनोज द्विवेदी, रविन्द्र कोठारी, चंद्रवीर सिंह पंवार आदि शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रिपोर्टर दिनेश सेवक, आसपुर। किस हिसाब से आपने ज्ञापन दिया इस चीज का? लेवल टू के 2018 में माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में सेटअप किया जा रहा है, तो अब दोनों विभाग सरकार के द्वारा एक कर दिए गए हैं। इसलिए संगठन ये मांग करता है कि शिक्षकों को यथावत रखा जाए अथवा शिक्षकों की आपसी सहमति लेकर के और काउंसलिंग के माध्यम से उनका पदस्थापन किया जाए। धन्यवाद। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। जय श्री राम। देखते रहिए सागवाड़ा लाइव न्यूज़।